माता मसानी चौकी दरबार से विनोद भगत जी, जो बहुत ज़्यादा ये मानते हैं कि उनमें माता की सवारी आती है, इसलिए वो माता की तरह रहना शुरू कर देते हैं। आप सामने देख ही रहे हो, ये उन्हीं के चैनल से मैंने ये उनका फ़ोटो लिया। आप देख सकते हो कि कितना वो श्रृंगार कर लेते हैं, मेहंदी लगाना, लिपस्टिक लगाना, बिंदी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं। अब वो रेप केस में अंदर गए हैं, बहुत सारी महिलाओं ने उन पर यौन शोषण रेप का और 5-5 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया है। अभी तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि आरोप सिद्ध हुआ है, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। एक से ज़्यादा महिलाओं ने उनकी दो या तीन से ज़्यादा महिलाओं ने उनके लिए कंप्लेंट की है। अभी जांच भी होगी, पर मैं यही कहना चाहती हूँ मेरी माताओं बहनों, किसी भी आप पुरुष की चौकी पर जाती हो तो अपने परिवार के किसी सदस्य को लेकर जाया करो, चाहे आप 10 बार जाओ चाहे 20 बार जाओ। बहुत महिलाएं 1-2 बार जाती हैं, उनको लगता है ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, क्योंकि आप अगर उनकी वीडियो देखोगे तो बाबू माँ ऐसे कहकर वो बोलते हैं। तो इनके पाखंडों में मत घुसें। जिस पर माँ की कृपा होगी उसको ज़रूरी नहीं है मेहंदी लगाना, और ये इन चीज़ों से आप बचो कि जो जिनको लगता है कि माँ की सवारी आ रही है तो हमें, हम चाहे पुरुष हों चाहे स्त्री हों, हम हद से ज़्यादा हम ही देवी हो गई हैं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी दरबार में जाते हैं तो आपको अपना हर चीज़ आँख नाक कान खुले रखने चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से बहुत सारे लोग बदनाम हो जाते हैं। ये स्वयं वीडियो बना बना कर डालते हैं कि निःशुल्क दरबार है, निःशुल्क दरबार है, और अभी इनके निःशुल्क दरबारों की पोल खुल रही है कि ये 5-5 लाख रुपए ले रहे हैं, रेप केस हो रहे हैं। ये बड़े बड़े गुरुओं से जुड़ जाते हैं जाकर कि इनका बहुत जल्दी प्रचार होता है। ये बड़ी बड़ी हस्तियों को, जैसे ये अब इनकी जो गुरु माँ आप देख ही सकते हो सामने, उनसे जुड़ जाते हैं। और जब कुछ ऐसा नहीं है कि उन्होंने इनको दरबार से नहीं निकाला, फिर इनको स्वीकार किया, और फिर अब जब ये केस होने वाला था तो इससे पहले इन्होंने इनको फिर दरबार से निकाला। तो बचे इन पाखंडों से।